कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने, बोलते आ रहे YouTube चैनल में आप तमाम जितने भी दर्शक पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। दोस्तों, आपको पता है कि YouTube या हमारे ये चैनल जो बोलते आने का है, उसकी विशेषता ये है कि हम प्रेजेंटली लिविंग जितनी सेलिब्रिटीज हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर भी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज को फैलाती हैं, संवर्धन करती हैं, जिसे हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। अलावा इसके हम गंगा जमुनी तहजीब भी बोलते हैं। इस सारी हमारी हेरिटेज संपदा को बढ़ाने के लिए एक से एक कलाकार आते हैं, और उसी श्रेणी में आज एक बहुत ही महान कलाकार सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, और आपका नाम है पंडित शंकर राव वैराकर साहब। पंडित शंकर राव जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बोलते आने यूट्यूब चैनल की इस विशेष श्रृंखला के अंदर। तो इस वक्त शायद आप नासिक में बैठे हुए हैं, जहां तक मुझे सुना पता है, नासिक में जी। पंडित जी, पंडित जी के बारे में मैं अपने दर्शकों को छोटा सा मैं बता दूं दो एक लाइनें, ताकि हम फिर डायरेक्टली उनको लेके लगातार फिर हमसे बातचीत और उनसे परफॉर्मेंस भी करवाते रहेंगे। आप एक लीडिंग वेटरन वोकलिस्ट हैं, और आपका जन्म 2 फरवरी 1953 यानी कि 1953 को एक छोटे से गांव काने गांव है डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद महाराष्ट्र में, वहां पर हुआ। आपकी शिक्षा जो है, शुरुआती तालीम वैसे तो पंडित जी खुद ही बताएंगे, लेकिन वो ये है कि आप शिष्य रहे हैं लेट पंडित पद्माकर कुलकर्णी जी पूना के थे, लेट पंडित पुटाराज गुआई जो कि धारवाड़ के थे, लेट पंडित बासवराज राजगुरु धारवाड़ से, और उसी तरीके से कलकत्ते से, कोलकाता से पंडित बीजी जो। आप को तकरीबन मैंने जो कैलकुलेट करा 50 साल से ज्यादा हो गए हैं जो कि शिक्षा दे रहे हैं अपने ऐसे एक से एक शिष्य जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वोकलिस्ट के अलावा आपका तंत्रकारी यानी कि इंस्ट्रूमेंटल के अंदर भी आपकी बड़ी दक्षता रही है, और जहां तक मैंने कैलकुलेट करा एक और बात कि 20 ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो पूरी दक्षता के साथ बजाते हैं, अचीवमेंट है, और खून में इनके भरा हुआ है म्यूजिक, संगीत, मौसिकी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित जी का, पंडित शंकर राव वैराकर जी का बहुत खैर मकदम करता हूं इस एपिसोड के अंदर। पंडित जी, इस वक्त आप जहां बैठे हैं और अपने स्वरमंडल के साथ बैठे हुए हैं, और आपका जीवन जो है, आपसे पहले भी बात हुई है, वो सिर्फ म्यूजिक है। आप म्यूजिक ही खाते हैं, म्यूजिक ही बोलते हैं, म्यूजिक से ही बात करते हैं, क्योंकि रफी साहब की बात याद आती है, मोहम्मद रफी साहब की, जब भी उनके इंटरव्यू लिए जाते थे वो कहते थे भाई मेरे को बात करनी नहीं आती है, मुझे मैं अगर जो भी सवाल करोगे तो मैं गाकर ही उसका जवाब दूंगा। वही कुछ बातचीत मैंने आपकी भी देखी है कि आप ज्यादातर गाते हैं, और हमारे जितने भी सवालों के जवाब आप बड़ी खुल कर देंगे। शुरुआती तालीम पंडित जी आपकी कहां पर हुई, कैसे हुई, पारिवारिक कैसा था, और किन किन से सीखा, अपना उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। नमस्ते। नमस्कार जी। पहली बार आपको धन्यवाद देता हूं मैं कि मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं। मुझे तो हिंदी भाषा इतनी नहीं, बोलने की आदत नहीं है मुझे जी, तभी भी थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ मैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा तो मराठी बोली जाती है, लेकिन ये जो बंदिश वगैरह हम गाते हैं या
कबीरदास जी के भजन गाते हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी थोड़ा थोड़ा जमता है। वो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ जी, 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 जी पंडित जी बड़ा अच्छा लगेगा। जी 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 मेरी शिक्षा पहले मेरे घर से शुरू हो गई। अच्छा, मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा तो बोले तो 2 साल का था जी। और हमारे घर में उस टाइम में पूरे 70 साल बीत गए। अच्छा जी, इस कहानी अच्छा। 70 साल बीत चुके हैं। अच्छा, और मेरी अभी मेरी उम्र है 71 साल की। जी जी जी। और उस काल में हमारे घर में भजन हुआ करता था हर रोज, सब मिलके हमारे दादाजी सबको लेके बैठते थे और वो भजन करवाते थे सभी के तरफ से। ऐसा शिव भजन था उस समय में, और वो शिव भजन में ऐसा रागदारी चलता था। मुझे पता नहीं उस जमाने में उन्होंने किसके पास सीखा हो, कुछ मालूम नहीं मुझे, लेकिन उनको बहुत से रागदारी मालूम थे। करीब 100 से ज्यादा राग उनको मालूम थे। और ये ऐसा राग नहीं, वो ऐसा राग नहीं, इसमें ये निषाद लगता है, उसमें वो मध्यम लगता है, ऐसा नहीं करने का, यहाँ नहीं ठहरने का, वहां नहीं ठहरने का, ये सब वहां बताते थे। लेकिन मेरी जो स्टोरी है वो अलग है। अच्छा, जब मेरा जन्म हुआ जी, मेरा जन्म हुआ तो 2 साल का था मैं। अच्छा। तब मेरी माँ मुझ पर तरस आ गए, उसको काम नहीं करने देता था मैं। अच्छा। मेरी माँ को भजन चल रहा था हमारे घर में। उस टाइम में मेरे पिताजी हमारे भजन में बाजा बजाते थे, बाजा माने तो हारमोनियम बजाते थे भजन में। और मेरे माँ ने उनके तरफ मुझे लाके छोड़ा वहां। मैं बहुत छोटा था, 2 साल का खाली, तो 2 साल का था। मैंने मेरा ये जो हाथ है, ये उंगलियां, वो उस पेटी पर हारमोनियम पर गिर गई। ऐसी गिर गई तो मैं उस टाइम में पहला भूप राग बजाया था। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक है मेरी, बढ़िया भूप राग बजाया था। सबको आश्चर्य हो गया, सब देखने लगे, एक ऐसा 2 साल का लड़का काले हाथ अपने हारमोनियम पर पड़ा और भूप राग निकला, एक ऐसे। और मैं बजाता ही रह गया वहां भूप राग की सब सुरावली, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक, ऐसे इतनी इतनी छोटी उंगलियां थी उस छोटी उंगलियों से भूप राग बजाता ही रहा मैं। और सब आश्चर्य से देखने लगे और मेरे दादाजी को बहुत आनंद हो गया। अभी अगली पीढ़ी हमारी अच्छी तरह बन पाऊंगा मैं, ऐसे उनको लगा। और जब भजन गाने को बैठते थे तब हमको फिर रागदारी में मंत्र कैसा मंडा बोलना, ओम नमः शिवाय मंत्र कैसा बोलना, या बंदिश, उनको ही थोड़ा बहुत बंदिश का अभ्यास था जी हमारे दादाजी को। तो उस टाइम में कौन तो कर्नाटक के गुरु आते थे हमारे घर में, और उन गुरु जी का अभ्यास बहुत अच्छा हुआ था। और जब वो आते थे तो तब हमारा जो भजन चलता है, देखो आगे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। या, या, प्लीज। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, gama padapa nidapa, om namah shiva, paridani padama gama padapa padama, om namah shiva, sanidani dama padama padama gama gama, om namah shiva, om namah shiva, om namah shiva, om namah shiva.
नमः शिवाय नमः शिवाय। और ये भजन गाने के बाद जी फिर वो बोलते थे, देखो भैया उसमें बंदिश कैसे आते हैं। मैं तो चकित, ये जब 2 साल के बाद 4, 5, 6 साल का हो गया था तब की ये कहानी है। तो बोले वो कौन सा राजा ये मुझे पूछते थे। मैं तो ऐसा ही बैठा था, देखो भाई एक खमाजरा। अच्छा, खमाजरा ऐसे अच्छी बंदिश है, देखो सुनो। और बाद में ये कौन सी तो एक बंदिश मुझे सुनाते थे वो। मिला दे सखी श्याम सुंदर, मिला दे सखी श्याम सुंदर मोहे आज, मिला दे सखी श्याम सुंदर मोहे आज, मिला दे सखी श्याम सुंदर मोहे आज, रैन दीन मोहे चैनन आवत, रैन दीन मोहे चैनन आवत, भूल गई सब काम, मिला दे सखी श्याम सुंदर मोहे आज। जोगन बन कर बन बन ढूंढ मैं, जोगन बन कर बन बन ढूंढ मैं, जोगन बल कर बन बन ढूंढू, छोड़ो जगत की बात रे, छोड़े जगत की बात, मिला दे सखी श्याम सुंदर मोहे आज, मिला दे सखी श्याम सुंदर मोहे, मिला दे नम शिवाय ओ नम शिवाय। बाद में ये बंदिश गाके फिर से वो ओम नमः शिवाय में आते थे, और ऐसा करके आपको छंद लग गया, भजन से शास्त्रीय में हम घुस गए बाद में। और तो ऐसा ही चलता रहा, हर एक राग में भजन, और एकदा हिंदी भजन या कन्नड़ भजन चलता था वहाँ। अच्छा। कन्नड़ भजन तो हमारे उधर हमारे गांव से बहुत नजदीक है कर्नाटक। अच्छा। मैं अभी गया भी नहीं था कर्नाटक को तब, जी जी, जब हमारे घर में भी कन्नड़ चलता था। अच्छा अच्छा। कन्नड़ भाषा बोली जाती थी हमारे घर में। जी हाँ जी हाँ जी। कन्नड़ मात्र दे रे ओ काना
घड़ी मोरी नींद रे ओ उजाड़ी मोरी नींद नींद रे ओई उजाड़ी मोरी नींद ओ काना काना रे आड़ी मोरी नींद रे ओ उजाड़ी मोरी नींद ऐसा ऐसा ऐसे प्रयोग करने लगे कुछ मराठी अभंग संतों के मराठी संतों के अभंग कुछ कन्नड़ वचन से ऐसे प्रयोग करने लगा मैं। तब एक बार मैं सोलापुर गया था। अच्छा जी। हमारे महाराष्ट्र में सोलापुर बोल के एक जिला है, बहुत बड़ा शहर है। अच्छा जी। एक प्रोग्राम हुआ करता था हर साल में, वो संक्रांति के करता था वहाँ। एक डॉक्टर थे और डॉक्टर के घर में प्रोग्राम चलता था। तब मेरे पिताजी जाते थे वहाँ। अच्छा। हर साल एक बार। अच्छा। और वहाँ आए बसवराज राजगुरु वहाँ आए थे गाने के लिए। अच्छा। जब गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या बात, मैंने सुना और उस टाइम में मुझे लगा यह ऐसा अपने को आना चाहिए, ये अपने को सीखने का है। सरगम कैसे लेते हैं या आकार में आलाप कैसे करते हैं या उनकी कमर कैसी है आवाज पे, कितना मधुर कितनी मिठास है आवाज में, ये कैसे चलता है, ये अपने को सीखना पड़ेगा। ये क्या ऐसा बात? मुझे लगा बहुत जब मैं घर में आ गया। घर आ गया तो मुझे खाली क्या बोलते हैं उसे वेड को क्या बोलते हैं, उस समय मैं पागल हुआ था उनके गाने से और मुझे लगता था उनके पास सीखना चाहिए अपने को। और ये कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, उस डॉक्टर साहब को मैंने पूछा उस टाइम में कहाँ रहते हैं। वो बड़े वो धारवाड़ में रहते हैं वहाँ। अच्छा। कर्नाटक में धारवाड़ बड़े शहर है और वहाँ गदग में वीरेश्वर पुण्याश्रम बोल के आश्रम है, वो उधर रहते हैं। बोले तो मैं सच्ची बात कहता हूँ, मैं 10वीं उम्र में 10 साल की उम्र में भाग गया था। अच्छा। भाग कर गया, बहुत छोटा था। रेलवे किसी ने मुझे पकड़ा लिया था, पकड़ के रखा था 2 दिन, कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है। लेकिन मैं भाग गया था, मुझे संगीत सीखने का है और मैं जा रहा हूँ, गदक जाना है मुझे। और मैं वहां गया, उस आश्रम में गया और आश्रम में जहाँ अभी अभी के जो मशहूर कलाकार है पंडित वेंकटेश जी, वो वहां थे और मेरी उम्र के थे वो। वहा ही थे वो और मुझे, मैं शरण आ गया गुरु जी के चरण पे जाके शरण आ गया और उनको बोला मुझे सीखना है मुझे सिखाए। वो बोले तुम कैसे आ गए हो, कौन है तुम्हारे साथ। मैंने कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, घर में जाओ और किसको तो लेके आओ। फिर नाराज होके घर में गया, बाद में फिर हमारे गांव में आया। मेरे पिताजी से मैंने आग्रह किया आप चले मेरे साथ, फिर पिताजी ने लेके फिर छोड़ दिया वहां। और फिर थोड़ा बजा के दिखाओ थोड़ा गा के दिखाओ, उस 10 साल में मेरी उंगलियां ऐसी चलती थी पानी जैसे तूफान। हर रोज खाली 10-12 घंटे में यही करता था, रियाज ही करता था, कुछ करता नहीं। स्कूल भी नहीं जाता था उस टाइम में, नहीं जाता था, मुझे वो कुछ नहीं अच्छा लगता, खाली मुझे गाना और बजाना इतना अच्छा लगता था। और मेरी उंगलियां पेटी बजाने का तरीका हारमोनियम बजाने का तरीका हमारे गुरु जी को बहुत अच्छा लगा और उन्हें उस आश्रम में मुझे रख लिया और वहां से हमारी तालीम शुरू हो गई। क्या बात है, फा, फा। हमारी तालीम का तरीका है। अच्छा पंडित जी, ये अभी तो हमारी काफी बातचीत चल रही है, गा भी रहे हैं आप, कोई क्लासिकल छोटी सी उसका कोई रूप अगर हमारे दर्शकों के लिए आप प्रस्तुत कर पाए प्लीज, बड़ा खुशी होगी, प्लीज करिएगा। कौन से राग पे ताकि दर्शकों को पहली पता चल जाए। सोनी राग का ही सुर निकला है तो सोनी की बंदी सुनाता हूँ। वाह वाह वाह, तो मतलब वो तो मुगले आजम का आपने थोड़ा सा परिचय किया अभी। चलेगा।
टाइम भी सोनी का ही है अभी जी। हाँ सोनी का ही टाइम बिल्कुल। समय समय सोनी रखा है और निकला भी है पहला सोनी रात और उसमें के बंदी सुनाता हूँ। कमाल सोनी राग इतनी अच्छी प्रस्तुत करी पंडित जी, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, वाह बहुत बहुत। हाँ हाँ दो 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 तीन साल हो गए मुझे अटैक आया था जी, दो साल के पहले। अच्छा ये सब गया था मेरा, क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। ओहो अच्छा, सब गया था। अभी मैंने मेहनत करके 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 हर रोज रियाज करता हूँ, रियाज करके इतना गला कमाया, सब कुछ गाया था मेरा। अच्छा कुछ नहीं था मेरे पास, खाली जब मैं भगवान की आराधना करने लगा तो रोज भगवान की आराधना करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरा आवाज वापस मिल गया मुझे। अभी चलता है, अभी मेहनत चालू है मेरी, उस उम्र में भी मेरी मेहनत चालू है, लगन है संगीत से अभी। जी 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 जी, तो ये घटना घटी थी इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, लेकिन गाना नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, नहीं, तो गाता ही रहूंगा, मेरा प्राण है। बिल्कुल पंडित जी, देखिए
इस तरीके की जो इंसिडेंट्स हैं, अच्छे कलाकारों के बीच की जिंदगी में ऐसे हिस्से हैं, वो एक शेर है मैं आपके सामने अर्ज करूं कि जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। क्या बात है, है ना, आपके होठों पे हंसी पांव में छाले, चलते मेहनत करते रहे, समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, बहुत आपके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अपने कार्य को पूरा करना है हंसते हुए। जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। तो हम दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि सीधे नासिक महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ पंडित शंकर राव वैराकर जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध गुलकार हैं क्लासिकल म्यूजिक के, और केवल शास्त्रीय संगीत तो है ही आपका घर, लेकिन उसके अलावा जो है सेमी क्लासिकल है, गजल है, नगमे हैं, सूफियाना है, हर तरीके की चीज पे आपकी दक्षता है। तो अभी हमने काफी कुछ बातचीत भी करी, तो इस वक्त मैं पंडित जी से गुजारिश ये करना चाहूंगा, पंडित जी आपके बायोडेटा का जो हमने देखा तो 80 का दशक आपके लिए विशेष रहा, आपने कई लोगों को इंस्ट्रूमेंट सिखाए और एक ऑर्केस्ट्रा भी तैयार करा जो लोकल फोक इंस्ट्रूमेंट्स का, जो कि लुप्त होते हुए हमारे खासकर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको आप इकट्ठा करा और ऐसे बजाने वालों को तैयार करा, और उस वाद्य वृंद को, बल्कि मैं कहूंगा ऑर्केस्ट्रा को, उस पर कुछ प्रकाश डालिए प्लीज। जब मैं बाहर आ गया तो गदग में, कर्नाटक से, कर्नाटक छोड़ के थोड़ा सा पुणे में आ गए, फिर बाद में उस साल में 1972 का अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में, बहुत अकाल पड़ा था महाराष्ट्र में। अच्छा। और बहुत तकलीफ होती थी वहां, पेट का सवाल रहता था, इसलिए मैं वो छोड़ के पुणे आ गया। पुना आ गया तो पुना से फिर कलकत्ता गया, ऐसा प्रवास हमारा बहुत तकलीफ ले संगीत के वास्ते, मैंने इतनी तकलीफ उठाई है मैंने। अच्छा। उस टाइम में फिर मुझे इधर एक हमारे नासिक में निफाड़ बोल के एक शहर था छोटा सा, वहाँ एक स्कूल में मुझे नौकरी मिली वहाँ। अच्छा। और ड्यूटी भी गई वहां से, एक अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा वहां बनाया मैंने। वो स्कूल के जो डायरेक्टर्स थे सब बहुत अच्छे थे लोग, वो बोले आप कुछ भी कीजिए हम उतना खर्चा करेंगे हम। और बहुत से वाद्य ले गए, एक 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 साथ कम से कम 70 या 80 ऐसे बैठते थे, क्या बोलते उसे, इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्केस्ट्रा जो वाद्य वृंद आया क्या, वो बच्चे लोग 70 से 80 बच्चे एक ही साथ बैठते थे। सतार, सरोद, दिलरुबा, संतूर था उसमें, जल तरंग था। अच्छा। गिटार था, बांसुरी थी, हर एक प्रकार के वाद्य, दिलरुबा, सारंगी सब। और ये जो है मौका मुझे मिल गया तो गदग में मिल गया सीखने का मौका। जब वहां मैं 4 साल वहां रह गया तो हर एक वाद्य के विद्यार्थी थे वहां, कोई गिटार सीखता था, कोई दिलरुबा सीखता था, कोई, तो वो भी अनुभव मुझे मिल गया वहां गदग में। वाह। तो कैसे सीखा जाए मैंने देख लिया। फिर कलकत्ता में जब आ गया तो हमारे पंडित जी के पास बहुत से ऐसे शागिर्द आते थे सीखने के वास्ते, और कोई संतूर सीखता था, कोई वायलिन सीखता था, ये कैसे बजाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, इसका क्या तरीका है लगाने का, ये सब मैं खाली ऐसा देखता था। और वो जब शागिर्द जाते थे तब वो खुद मैं लगा के देखता था, अभी चलेगा ऐसा, ये सारे ऐसा निकलते वायलिन के ऊपर ऐसा है, ये संतूर ऐसे लगाने का, और ये ऐसा करके करके सभी का नॉलेज मुझे आ गया। और इस नॉलेज का फायदा मेरे यहाँ मिल गया, मुझे हमारे हाई स्कूल में ऑर्केस्ट्रा बनाते समय वो मिल गया मुझे। और मैंने ऐसा ऑर्केस्ट्रा तैयार किया 80 बच्चों का, एक ही साथ बजाते थे 80 बच्चों सब, महाराष्ट्र के 4 मुख्यमंत्री, क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र के, चीफ मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर खाली देखने के वास्ते आए थे हमारे हाई स्कूल में, और वो दो दो तास आके सुनते थे वो ऑर्केस्ट्रा, इतने छोटे बच्चे, इतने छोटे
खाली तीसरी या चौथे कक्षा, चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा, बस पांचवी कक्षा के सब विद्यार्थी थे वहाँ। इतनी छोटी बच्ची कैसी बच्चे, लेकिन मैंने बहुत मेहनत ली थी। देखिए जनाब, मैं ऐसा होता है कि मैं करने वाला आदमी था, बोलने वाला आदमी था नहीं था। संगीत में दो आदमी होते है कि कुछ लोगों को खाली बोलने को आता है, कुछ लोगों को साधना करने को आते है। मुझे बोलने का कुछ नहीं आता था, मुझे साधने में इंटरेस्ट था और मैंने खाली साधना की वहाँ और ये सब बच्चों को तैयार किया। अभी भी मेरा विश्वास साधने पर है, साधना करना चाहिए। और रियाज की बात बोलेंगे तो आप हमेशा, रियाज तो मैं करता ही हूँ और मेरे जो शिष्य लोग है, मेरा गला ऐसा था, मेरी ऐसी तान थी, इतनी तैयार तान थी मेरी, इतनी तैयार तान थी, बहुत तैयार थे। लेकिन वो जो मुझे क्या बोलते पैरालिसिस का अटैक आएगा है ना, थोड़ा सा गले पर असर हो गया उसका। अभी मैं मेहनत करके अभी एक साल में वैसे ही तान तैयार करूंगा, ये उम्मीद है मुझे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है पंडित जी। पंडित जी ये बताइए कि अभी तो हम लगातार आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जहां तक आप गायकी की बात है, मैं अपने दर्शकों की तरफ से अनुरोध करूंगा एक छोटी सी ठुमरी आप जरूर पेश करो, क्योंकि सेमी क्लासिकल का भी आपका देखें चलेगा। पहाड़ी राग में ठुमरी है, पहाड़ी ठुमरी है ये। वाह, दरला
अकेली आगे लग कमरम हो अकेली डरलागे अकेली डरलागे अकेली डरलागे अकेली डरलागे बहुत पंडित जी बहुत हो बहुत खूबसूरत पहाड़ी पे थी मेरा ख्याल है ये ठुमरी बड़ी बड़ी खूबसूरत आपने पेश की। ये हमारे गुरुजी ने पद्माकर जी कुलकर्णी जी ने मुझे सिखाई थी ये ठुमरी उस टाइम में उनके पास मैं जब जाता था सीखने के वास्ते तो उन्होंने मुझे सिखाई थी ये ठुमरी। क्या बात है क्या बात है। बहुत सी ठुमरिया है उन्होंने मुझे सिखाया। वो जयपुर गाने वाले थे गोविंद राव जयपुर गोविंद प्रसाद जयपुर वाले के वो शागिर्द थे हमारे गुरुजी। और हमारे महाराष्ट्र के मशहूर गायक डॉक्टर वसंतराव जी देशपांडे उनके शागिर्द थे। और मुझे भी वसंतराव के हमारे गुरुजी जो है उनके पास जाने का योग आया था मुझे। वसंतराव देशपांडे जी ने मुझे मेरा स्वीकार किया था शागिर्द बोल के लेकिन वो मेरे तकदीर में नहीं था। जब वो बोले मैं अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तुम्हें एक महीने के बाद आओ एक महीना ठहरो मैं सिखाता हूँ तुझको ऐसी बोले थे मुझे वसंत राव जी। लेकिन मेरे वो नसीब में नहीं था करीब 15 दिन में हो गए इसलिए मेरे बहुत बहुत बुरा लगता है मुझे कि मैं बहुत आभारी हूँ। हाँ जीवन में उतार चढ़ाव क्या पता वो भले के लिए हो ये भी होता है तो ये देखिए जीवन का एक बहाव है अच्छा बुरा करके लेकिन अंत में अच्छा ही। इस वक्त में आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में हम चले जाए कोई भजन की आपसे रिक्वेस्ट करूं अपने दर्शकों के लिए तो कोई भजन पेश कीजिएगा प्लीज। हिंदी भजन कहो या मराठी जो आपको अच्छा लगे। चलेगा हिंदी भजन गाऊंगा मैं। हाँ भजन हाँ ज्यादा लोग उसे जी प्रस्तुत कीजिएगा। चलो भजन है ये वाह मजा आ जाएगा वाह। Oh,
किस किस चंदन सौर लगाऊ, किस किस चंदन सौर लगाऊ, सौर लगाऊ, सौर लगाऊ। ओ चरण की तलिया रे, ओ चरण की तलिया रे, ओ चरण की तलिया, मोहन आना रे, आना रे, आना रे, आना रे, आना रे, आना रे, आना रे मोहन मेरे गलिया में, आना आना मेरे गलिया में, आना आना मेरे गलिया में, आना गलिया में, आना गलिया में, आना ओ गलियां बे आ। क्या बात है, दिस इज सो ऑसम, फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। जी बहुत धन्यवाद, तमाम जितना भी शुरू से गुफ्तगू हमारी रही, बहुत अच्छी बातें करी आपने, बड़े अच्छे आपने क्लासिकल बंदिश सुनाई, सेमी क्लासिकल सुनाई, सुनाया, सब कुछ करा आपने, यात्रा पे प्रकाश डाला। जाते जाते मैं आपसे एक तो बात ये पूछूंगा कि आज के जो नए जो सिंगर हैं, चाहे वो क्लासिकल सीख रहे हों, चाहे वो लाइट सीख रहे हों, कैसा भी, उनके लिए एक आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो कि आपके तजर्बे के हिसाब से उनको आप शिक्षा के रूप में दे पाएं, और एक तो एक टिप्स या गाइडलाइंस उनको दीजिएगा, उनको नसीहत दीजिएगा कि उनको क्या करना चाहिए, और अंत में कोई ऐसी राग, मेरी चॉइस रहेगी भैरव, अगर आप प्रस्तुत कर दें आखिरी में तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। भैरवी तो और वो तो रागों की राग हो गई, तो उस एक तो पहले आप मैसेज दे दीजिए हमारे अपकमिंग यूथ को जो सिंगर्स हैं, और उसके साथ एक भैरवी के साथ इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे। धन्यवाद, प्लीज। अपने ऐसा सवाल पूछा है, वो सवाल बड़ा कठिन है आपके इस जमाने में। वो क्या हुआ है, अभी संगीत का सब व्यापारीकरण बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल, वो सब ऐसा हो गए, अभी पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा ही चल रहा है सब। गुरु की सेवा करना और गुरु के घर में जाके उनको प्रसन्न करके एक एक सुर उन्हीं से ऐसा सीखना, ये बात नहीं होती अभी। अगले जब हम सीखते थे तब गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके ऐसा सुर लगाना, उतना टाइम ही नहीं अभी। अभी हम तो इतने दुर्दैवी लोग थे कि हमको तो संगीत मिलता ही नहीं था, सुनने को भी नहीं मिलता नहीं था। वो जब ग्राम पंचायत का करना रहता था ना, वहां जब बहुत छोटे क्या होते स्पीकर, वो ग्राम पंचायत रहती थी छोटे छोटे गांव में, वहां एक स्पीकर रहता था, ऐसा एक खंबे पे ऐसा लटका दिया था, और वो स्पीकर से सुन के हम तैयार हो गए वहां स्पीकर में सुन के। अभी कितने अभी के जो लोग आए, बहुत तकदीर वाले लोग आए, ये उनके जेब में रहते हैं गुरु मोबाइल के माध्यम से उनकी जेब, क्योंकि उनको कुछ नहीं आता। देखो भाई ऐसा ही एक एक सुर ऐसा निकलना मांगता है हम गले से अपने, क्योंकि उसी साधना ने अच्छी होती, वो जो साधना है ना, साधना करना मांगते है गुरु के पास जाके, ये नहीं करते अभी के जो बच्चे लोग है, ये नहीं करते। शुगर साखर बोलते हैं ना हिंदी में, साखर बोलते हैं ना, शक्कर शक्कर बोलते हैं, साखर शक्कर मीठी है, कब मीठी है, जब खाएंगे तब मीठी है। शक्कर ऐसी दिखाई देती है अपने को, ये शक्कर है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, शक्कर बहुत अच्छे है। अरे अच्छा है, लेकिन कब अच्छे है, जब तुम खाओगे तब अच्छे है। जी जी जी, अभी शक्कर खाते नहीं बच्चे लोग। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि देखो भाई, हम जब गुरु के पास जाते थे तो देखो भाई,
सारे घर है, सारे घर है, सारे घर है, सारे घर, इतना करो आज बस हो गए इतना। तो ऐसा करो, ये देखो हमारे हाथ में देते थे वो कुछ ऐसे ज्वार के दाने बोलते हैं उसे, और हम सारे घर है, सारे घर है, सारे घर है, सारे घर, कितने हुए, सारे घर है, सारे घर है, सारे घर है, सारे घर है, चार होने के बाद एक दाना इसमें ऐसा रखने का यहाँ, और पूरे वाट वो जो है ना एक भांडा भर के दिए थे वो सब खत्म होने होने तक इतना ही बोलने का, सारे घर है, 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 तब अपने गले में वो सुर चढ़ते थे। अब अभी के जो ये बच्चे लोग है ये नहीं करना चाहते इतना। माना कि अभी का जमाना हमसे 20 या 40 साल आगे चल रहा है, वो होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ये कहानियां है ये संगीत सीखने की, उससे मेहनत ही करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करते लोग, बात मेहनत करने की बात है, मेहनत करना सबसे पहले, तो मेहनत मेहनत ही इनको आगे लाएगी। अभी कैसा होता है, दो गाने आ गए, दो बंदिश आ गए, तो चलो हम अभी तो ऐसी कुछ मेरे पास अनुभव है, सारे गम पदरी सा यहाँ सीखते है और वहां जाके बोर्ड लगाते हैं, यहाँ शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है, ये कैसा लगता है अभी, ये सब ऐसा ही चल रहा है, इसलिए उसके ऊपर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो किसी किसी के भी क्या बोलते हैं उसे मैं किसी की बुराई नहीं चाहता, मैं अध्यात्म जानने वाला आदमी हूँ, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात, कहता है बोल दिया तो ऐसे बोलते हैं लोग, किसी का पेट उसके ऊपर ही चलता है, उसकी रोजी रोटी कौन बंद करेगा, हर एक को ये जब आए नहीं अच्छा नहीं, लेकिन पीढ़ी को मैं इतना ही बताता हूँ कि कौन सा भी क्षेत्र हो मेहनत करो, कौन सा चाहे संगीत हो या चाहे और कौन सा कॉलेज का और कोई शिक्षा हो, उसमें अभ्यास करो, उसमें मेहनत करो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, रात दिन मेहनत करना और बाद में वह भाग्य खुलता है, तब तक नहीं खुलेगा। और अभी साधन है ना, मोबाइल है, गुरु जब सिखाते हैं तब आप रिकॉर्ड करके लीजिए, गुरु के पास से रिकॉर्ड करके लीजिए, सुनिए और ऐसा जब तक का अच्छा नहीं लगता तब तक सा कह दीजिए, आप कर दीजिए आ जाएगा, इतना ही मैं बोल देता हूँ आज के विद्यार्थी के लिए, इतनी बात करना चाहता हूँ बस। तो पंडित जी आखिरी में आप प्लीज वो भैरवी का अंग दिखा दीजिए, ताकि खत्म करने से पहले एक भैरवी का अंग जरूर सुने हम आपसे। हाँ, एक ठुमरी है। हाँ प्लीज प्लीज, मेरे गुरु जी की है भैरवी में जी, बहुत अच्छे आपने, आपको अच्छी लगेगी वो जी 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 जी। बचता
पाए प्रेमी बनकर कछु नहीं पाए प्रेमी बनकर कछु नहीं पाए अमले तीर बहाए बहाए हमने तीर बहाए बहाए हमने तीर बहाए कर्म पछताए सजन पाए कर्म पछताए सजन पाए कर्म पछताए कर्म पछताए कर्म पछताए बहुत खूबसूरत, क्या क्या बात है। देखिए कितना खूबसूरत आपने, ऐसा लगता है बरसों का रही बड़ी मेहनत सब कुछ करा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित शंकर राव वेरकर साहब, नासिक से सब जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र जो कि भारत में है पश्चिम में, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इस वक्त। तो पंडित धन्यवाद, तो धन्यवाद, तो धन्यवाद तो हमारी गुरु जी को दीजिए और भगवान गुरु जी ने सब कुछ दिया है ये उनका धन्यवाद दीजिए। जी जी बहुत बहुत हम बोलते हैं ने यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार पेश करते हैं पंडित जी आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ये एपिसोड जब दुनिया देखेगी तो उनको लगेगा कि नासिक का एक इतना बड़ा सिंगर पूरी दुनिया में लोग उसको सुनेंगे और आपके लिए तालियां बजाएंगे और सराहेंगे और सीखेंगे आपसे। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।